I'm Ratnabhushan and welcome to the program, The Great Prime Minister in the Great Nation. Good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your quality efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the program, I would like to read the preamble of our constitution. We the people of India, having solemnly joined to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, the most important fact of today is that you can see this. Honorable Prime Minister Narendra Modi. This article I have taken from Dainik Jagran. So, Sri Lanka mein Bharat banayega tel bhandar. Sri Lanka ne Bharat ko apni paschim tat par kacche tel ka bhandar banane ki anumati de di hai. Iske liye budhwar ko Pradhan Mantri Narendra Modi aur Sri Lanka ke Pradhan Mantri Ranil Vikram Singhe ke beech hui dvipachhi varta ke dauran sahmati banayi gayi. इस संबंध में व्यापक समझौता प्रधानमंत्री मोदी की आगामी श्रीलंका यात्रा के दौरान होगा। जानकारों की नज़र में हिंद महासागर में चीनी नौसेना के बढ़ते प्रभाव से चिंतित भारत की तरफ से अपनी ताकत को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हर दिन मेहनत करते जा रहे हैं, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, इस कोटेशन में हमारे प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। जो सेकेंड न्यूज है कि कल बीजेपी का एमसीडी का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला। सो मनोज तिवारी जी जो दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मिला है जनादेश, दिल्ली को संभालेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद हाशिए पर जा चुकी भाजपा को निगम चुनाव में जीत दिलाने में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जमकर मेहनत की। झुग्गियों में प्रवास, एक के बाद एक लगातार 300 से अधिक चुनाव सभाएं, रोड शो पर कर उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में भाजपा का कमल खिलाया। इस ऐतिहासिक जीत पर ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मोस्ट मुद्दा है हम दिल्ली को संभालेंगे। और उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी कहा है कि अब सभी लोग मिल करके दिल्ली को संभालें। और सही बात है कि कोई हारता है, कोई जीतता है। कल मैंने टीवी देख रहा था कि तो कुछ लोग नेता लोग दुखी हो गए। यहाँ दुखी और खुशी होने की बात नहीं है, जनादेश जिसको मिला है वो सभी लोग मिल करके दिल्ली को संवारें, कूड़ा रहित बनाएं, लोगों को सुविधाएं दें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो प्रोग्राम मैंने चालू किया है, प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति अच्छा कर रहा होगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा, उसको प्रमोट करूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि इस देश को कैसे संवारें, इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं इस कम्पिटिटिव युग में, क्योंकि मुख्य मुद्दा है देश, उसके बाद ही कुछ। So the most important suggestion for many days I am telling to Honorable Prime Minister, हर 2 किलोमीटर पर एक डस्टबिन और वाशरूम होना चाहिए, it must be paid. Honorable Prime Minister जी, in the memory of APJ अब्दुल कलाम, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया जाए। सर, भारत का हर मॉन्यूमेंट मस्ट भी मेंटेन होना चाहिए। सर, सुबह ट्रैफिक के नियम को लोग बहुत फॉलो नहीं करते, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ पर भी हो। लगता है सुबह 4 बजे से 10 बजे तक छुट्टी रहती है और नियम के धज्जियाँ उड़ाते रहो। तो उसके लिए सर एक रेगुलेटरी टीम बने ताकि 4 बजे से लेकर 10 बजे उसे मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं तो उसको कम से कम कंट्रोल किया जा सके। मेट्रो के सर सारे स्टेशन पर कम से कम फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे लोग का भी एक रहना चाहिए कि लोग जाने कि राजगुरु कौन थे, सुखदेव कौन थे, अशफाकुल्ला कौन थे, उनके बारे में एटलीस्ट वी शुड अवेयर द पीपल। सर, ट्री प्लांटेशन को एक फेस्टिवल के रूप में, कल्चर के रूप में डेवलप किया जाए। और जिस दिन भी लोग, तो आजकल तो लोग बर्थडे कहीं भी मना लेते हैं और उसको एक बर्थडे मनाना कोई बुरी बात नहीं है, बट ऑन दैट डे इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर गोइंग टू प्लांट अ ट्री एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्लेनेट, फॉर दिस अर्थ। इफ द प्लांट विल बी सर्वाइव, वी विल बी सर्वाइव। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल सर मस्ट बी डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस। बहुत सारे लोग को सर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता है, प्रीएम्बल नहीं पता है, राइट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए सर। तो कम से कम एटलीस्ट द पीपल हैव टू नो कि व्हाट इज ओनली दोज पीपल नो वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। सर, हर गांव में एक लाइब्रेरी सिस्टम खोलना चाहिए, लाइब्रेरी खोला जाए जिसमें हम लोग आज
आप गांव के ऊपर इतना विकास करने पे जोर है, एक हर गांव में एक लाइब्रेरी, और इसमें रादर देन गवर्नमेंट अगर जिन लोगों के पास कुछ पैसा है उसको लगाएं गांव के विकास के लिए, उसमें एक लाइब्रेरी डेवलप करें, उसमें बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे धनी आदमी लोग हैं, रिच स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे नेता लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम एक एक लाइब्रेरी एक एक गाँव में खोलने की कोशिश करें। बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड द fundamental duties of our constitution. According to Article 51, it says the duty of every citizen of India to abide by the constitution, respect its ideal and institution, national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideal that inspired the national flag for India, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national servicemen called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic and regional or sexual diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value, preserve and the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for the living creatures, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe balance, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and to promote opportunity for education to each child abroad between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. So thank you, Honorable Prime Minister Ji. We are proud on you. Your dedication, your hard work is the example for whole nation. We can make this country more green, more beautiful and more glorious. Jai Hind!